नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है मोको तो पतो ना है, कहां कहां मारी फैक्ट्री लग रही है। ये वीडियो दरअसल मथुरा का है। मथुरा के प्रताप सिंह के नाम से 3 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस मिला उत्तर प्रदेश में। जगह जगह फर्जीवाड़ा जो हो रहा है पैन कार्ड को लेकर, बहुजन समाज के बहुत सारे लोग उलझ रहे हैं। उनके नाम से करोड़ों का इनकम टैक्स की नोटिस निकलता है और उनके नाम पे फर्जीवाड़ा कोई और करके जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश के हालात। रही बात ये, उत्तर प्रदेश में आज हनुमानगढ़ी में अरविंद केजरीवाल जी ने दर्शन किए और रामलला के दर्शन के बाद वो उत्तर प्रदेश के चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी काफ़ी दिनों से एक्टिव है उत्तर प्रदेश में। उनके उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उधर कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक दल में जो कार्यकर्ता है नीचे स्तर पर, वह कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। परंतु जो इनके नेता हैं वो जब तक बहन मायावती जी का आदेश नहीं होगा वो उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं, उनकी कोई खबरें नहीं आती है। जब बहन जी आदेश करेंगी, जिला अध्यक्ष को सवाल करेंगी, नेशनल कोऑर्डिनेटर से सवाल करेंगे, तो जवाब में ये मिल जाएगा कि हमने जो है कार्यकर्ता सम्मेलन किया, 40-50 कार्यकर्ता को बिठा लेंगे, एक वीडियो फुटेज वगैरह बनाकर बहन जी को सौंप देंगे। कोई बड़ी खबर बसपा का नहीं मिल पा रही है। अब रही बात ये, उत्तर प्रदेश जो है चुनावी मूड में है। हर जगह अपने अपने जो है दमखम भर रहे हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, परंतु बहुजन समाज पार्टी का एक जनाधार है, कैडर वोट है, जाहिर सी बात है वहां से तो वोट मिलेगा ही मिलेगा। अब इनके बड़े नेता कब से शुरुआत करेंगे वो इनके पार्टी को पता होगा ज्यादा। रही बात बिहार में, 2 उपचुनाव है, 2 सीट पर, कुशेश्वर स्थान और एक और है, वहां पर तेजस्वी यादव पूरा कमान संभाले हुए हैं। उनका कहना यह है कि पहले महंगाई जो है मोदी जी और नीतीश कुमार जी को डायन लगती थी, आजकल महबूबा और भौजाई लगती है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार और मोदी जी पे वो तंज कस रहे हैं, लेकिन इस 2 सीट पर लालू प्रसाद यादव भी पहुंचेंगे, गेस्ट के तौर पर लोगों को आशीर्वाद देंगे और वोट की अपील करेंगे। प्रश्न यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनका कैडर वोट काफी है तो नेता एक्टिव नहीं, और जिनके पास कोई कैडर नहीं है उनके नेता बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। न्यूज तब बनती है जब विवादित बोल आ जाए, अथवा एक दूसरे पे हमला कर रहे हों, अथवा सरकार की कमियों को गिनाएंगे और मीटिंग करेंगे, मीडिया वहां पहुंच जाती है। लेकिन जब कोई दल साइलेंट मोड में हो तो खबरें निकल कर नहीं आ पाती। उत्तर प्रदेश में महंगाई की मार तो चल ही रही है, और रही बात ये, त्योहारी सीजन में खबरें जो निकल कर आ रही है कि कोरोना के अपडेट्स भी बढ़ रहे हैं। हर जगह से जो है रिपोर्ट इस तरह की आ रही है, पश्चिम बंगाल में परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई है। रही बात ये, क्या उत्तर प्रदेश में ममता दीदी कुछ कमाल कर पाएगी? क्या कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई है उत्तर प्रदेश में? बसपा का जनाधार है तो बसपा सरकार बना पाएगी? अखिलेश यादव जितना जोर शोर से लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है सपा गवर्नमेंट में आएगी अथवा बसपा? क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास न दिन में चैन है न रात को नींद है, वो घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी एक्टिव हैं, परंतु इनके जो बड़े स्तर के नेता हैं वो एक्टिव नहीं हैं। वो जब तक हाईकमान का आदेश नहीं मिलता, किसी भी सम्मेलन में कहीं भी वो दिखाई नहीं देते और फोटो नहीं मिल पाता इनका। रही बात ये, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नई है,
वो अपना दिल्ली मॉडल जो है दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। क्या दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएगी? बहुत सारे प्रश्न हैं और हम अपने दर्शकों से इन तमाम प्रश्नों का जवाब भी चाहते हैं। आप अपने कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। बसपा का एक बहुत बड़ा जनाधार है लेकिन ऊपर के नेता उतने एक्टिव नहीं हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, सब कुछ जानकारी हमें आम जनता से ही मिलती है। महंगाई चरम पर है, जनता त्रस्त है, परेशान है, तो जनता किस तरफ जा रही है? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।